तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी पोर्ट्रेट फोटो में किस तरीके से रिम लाइट क्रिएट करते हैं। देखो, रिम लाइट जो होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि जब सब्जेक्ट के पीछे जब कोई लाइट सोर्स होता है, तो उसके कारण जो सब्जेक्ट के सराउंडिंग मतलब उसके बॉडी पर जो एक आउटलाइन क्रिएट हो जाता है ना लाइट के कारण, उसी को रिम लाइट बोलते हैं। तो आज का हम मैनिपुलेशन करने वाले हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो ओपन कर लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर दिया है और इस पर हम जो है एक सब्जेक्ट की पीएनजी को ऐड करेंगे, मतलब जो मॉडल होगा यहाँ पर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक मतलब जो फेमस तरीका होता है रिम लाइट क्रिएट करने का, वो दरअसल क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मैनुअली जब रिम लाइट ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वो जब ब्रश चलाते हैं ना यहाँ से रिम लाइट क्रिएट करने के लिए, तो वो ब्रश बैकग्राउंड में भी चला जाता है कई बार, तो उसको फिर बार बार इरेज करना होता है और फिर हेयर्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिम लाइट क्रिएट करने के लिए। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए मैं एक स्मार्ट तरीका सोचूं, और वो ये है कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट की पीएनजी को ऐड करेंगे। उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे ना कि जो बेस कलर का जो टेम्पलेट है उसको ऐड करेंगे, मतलब पूरा होल टेम्पलेट, और उसको फिर हम एक ट्रिक का यूज़ करके यहाँ से सिर्फ सब्जेक्ट के शेप का ही उसको कटआउट करेंगे, एक ट्रिक का यूज़ करके सिर्फ एक क्लिक में, ठीक है। और उसको फिर हम ऐड फोटो टूल में जा करके उसको इन्वर्ट करके फिर हम रिम लाइट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये जो ड्रॉ टूल है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे ड्रॉ पर। तो इसको यहाँ से पहले इतना करते हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट की पीएनजी को पहले ऐड कर लेते हैं। देखो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लेयर। तो इस लेयर में हमको सब्जेक्ट की पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे, ये जो ऐड फोटो टूल है यहाँ पर, यहाँ से फोटो पर जाते हैं और यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। देखो, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करते नहीं आता कि किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करना होता है सब्जेक्ट का, तो आप मेरे ऊपर आई कार्ड वाली वीडियो को जा करके देख सकते हो। मैन्युअली रिमूव करने की बात नहीं करूँ मैं, ऑटोमेटिकली रिमूव करने की बात करूँ। इसको मैंने ऑटोमेटिकली ही रिमूव करा एक वेबसाइट का यूज़ करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमको एक टेम्पलेट यूज़ करना है, मतलब बेस कलर टेम्पलेट। देखो, बेस कलर मतलब क्या है, जो पर्पल कलर जो बैकग्राउंड का है ना, तो उसी कलर का यूज़ करके हमको एक बेस कलर का टेम्पलेट यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जाएंगे, इसको मैं इधर रख लेता हूँ फिलहाल। देखो, यहाँ से जाएंगे प्लस वाले आइकन पर और यहाँ से जाएंगे फोटो लेयर पर। देखो, ये जो बेस कलर मैंने यहाँ पर बनाया है ना, ये अपने बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बनाएं, तो आप भी अपने हिसाब से जो आपका मतलब आप जिस फोटो में रिम लाइट क्रिएट करना चाहते हो उसी हिसाब से आप कलर ग्रेडियंट बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस मतलब ग्रेडियंट बैकग्राउंड यहाँ पर लगा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले लेयर पर ये बैकग्राउंड है, ठीक है, और मतलब बैकग्राउंड नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, टेम्पलेट है ये। और जो दूसरे लेयर पर हमारी फोटो है मतलब पीएनजी, और तीसरे लेयर पर जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पर सबसे पहले लेयर पर शिफ्ट कर देंगे। इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्या करना है, आप ध्यान से देखना वीडियो में। अब हमको क्या करना है, हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि ना, जो बेस कलर टेम्पलेट यहाँ पर हमने बनाया है ना, इसको हमको क्या करना है ना कि जो सब्जेक्ट का जो पीएनजी उसी शेप का हमको यहाँ पर कटआउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ये जो हमने इसको पहले सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी ब्लेंडिंग मोड को यहाँ से टैप करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे XOR। तो इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है वो कटआउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको शायद यहाँ पे समझ में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। अब देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मतलब टैप करेंगे और यहाँ से इस पर थ्री डॉट पर जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी। तो देखो, ये पहला वाला ओरिजिनल वाला था ये, और ये कॉपीड लेयर है इसका, ठीक है, ये सबसे ऊपर आ गया है। अब देखो, ये जो लेयर है ना, इसको हमको करना है XOR। देखो, पहले हमने इसको XOR करे थे, ठीक है, इसको XOR करे थे, अब हमको इसको भी XOR करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ से XOR। देखो, तो यहाँ से एक ट्रिक का यूज़ करके हमने सब्जेक्ट के शेप का ही कलर ग्रेडियंट को हमने यहाँ से कटआउट कर लिया है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, ये देखो, ये जो थ्री डॉट है ना, यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे सेव, ठीक है। अब देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर हमारा काम जो था वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर हमको ज़रूरत थी एक पीएनजी की, मतलब ग्रेडियंट के पीएनजी की, तो हमने वो बना लिया है। तो अब यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो देखो, यहाँ से हमने इसको XOR करके रखा हुआ था, तो अब यहाँ से इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेते हैं नॉर्मल। तो देखो, यहाँ पर इतना हो चुका है, यहाँ से कर लेंगे अब हम इसको राइट। अब देखो, हमारा मेन काम जो था वो हो चुका है, लेकिन जो सबसे टारगेट पार्ट जो हमारे वीडियो का है, वो अब यहाँ से शुरू होता है। देखो, यहाँ से क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर और हमने जो ग्रेडियंट बनाया है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे हम। देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो बैकग्राउंड है ना और ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अलग से उठा करके ला के रखा गया है यहाँ पर, जबकि हमको ऐसा नहीं दिखाना है।
ऐसा लगना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये पहले से ही इसी बैकग्राउंड में पहले से रखा था, है ना। तो उसको दिखाने के लिए हमको इसको बैकग्राउंड के हिसाब से ब्लेंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने मतलब जो टेम्पलेट बना है इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले रिसाइज कर लेंगे, यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। देखो हमको इसका ही यूज़ करके ना रिम लाइट क्रिएट करना है, लेकिन रिम लाइट क्रिएट करने से पहले हमको बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट को ब्लेंड भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे जो ब्लेंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से जो इसका जो सूटेबल मेरे को लग रहा है ओवरले पर ये ज़्यादा सूट कर रहा है। देखो हालांकि थोड़ा सा हैवी लग रहा है, तो उसके लिए हम एक तरीका आजमाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ ओपेसिटी पर जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को कर देंगे यहाँ से कम। फिलहाल मेरे हिसाब से कितना ठीक रहेगा, 30 ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको कर देते हैं राइट। देखो हमने बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट को ब्लेंड कर लिया, पहले कैसा था देखो, पहले ऐसा दिख रहा था, उसके बाद में हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से वापस से जाएंगे ऐड फोटो टूल पर, अब वापस से हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं सब्जेक्ट की पीएनजी को, ठीक है। देखो यहाँ पर अब वापस से इसको रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो टारगेट पार्ट जो वीडियो का यहीं से शुरू होता है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे ऐड। अब इसका यूज़ करके हम लोग रिम लाइट क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो एक टेम्पलेट बनाएंगे कटआउट करके उसी से हम रिम लाइट क्रिएट करेंगे, तो वही पार्ट वीडियो का यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे इरेजर वाले ऑप्शन पर, अब देखो यहाँ से इसको इन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो इन्वर्ट पर जाएंगे, देखो यहाँ पर जो हम लोग रिम लाइट क्रिएट करेंगे ना वो एक बार में क्रिएट नहीं करेंगे, तीन स्टेप में क्रिएट करेंगे। जहाँ जहाँ पर मेरे को फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ पर हम लोग लाइन चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, जो एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे सब्जेक्ट के सराउंडिंग, मतलब सब्जेक्ट के अराउंड, यार क्या बोल रहा हूँ, सराउंडिंग बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट के अराउंड एक मतलब आउटलाइन ड्रॉ करेंगे जो होता है रिम लाइट। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग कलर मैचिंग करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे भी हमको कलर की रिक्वायरमेंट नज़र आएगी वहाँ वहाँ पे हम मैनुअली कलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ से जाएंगे, देखो यहाँ से जो रिस्टोर वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी हार्डनेस को कर देते हैं कम और साइज़ को कर देते हैं यहाँ से फिलहाल कम कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, देखो इस तरीके से। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने लाइंस तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन हमको इसको थोड़ा सा एडिट भी करना है ढंग से, ठीक है। यहाँ से जाएंगे इरेजर वाले ऑप्शन पर और इसके हार्डनेस को कर देंगे कम, साइज को कर देंगे कम, और यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा इसके एजेस को, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने पहले स्टेप में जो लाइन से वो ड्रॉ कर लिया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे सब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, इसके साइज़ को थोड़ा सा कर देंगे इंक्रीज़, और यहाँ से हार्डनेस ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे आउटलाइन चलाएंगे, ठीक है, दिखते रहो। तो ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरे स्टेप में यहाँ पर एक आउटलाइन भी ड्रॉ कर लिया है। अब तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे कलर मैचिंग करना है, मतलब जहाँ जहाँ पे भी कलर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमको कलर ऐड करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे, ओपेसिटी को कर देंगे बहुत कम, यहाँ पर इसको कर देते हैं 8, हार्डनेस कम ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट नज़र आ रही वहाँ पर हमको ब्रश चलाना है, देखो इस तरीके से। तो फाइनली हमने अपने फोटो में रिम लाइट क्रिएट कर लिया, यहाँ से हम इसको कर देंगे राइट।
तो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी फोटो में रिम लाइट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक बार आप लोगों को वीडियो का एक क्विक समरी बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, एक बैकग्राउंड लिया था, फिर उसके बाद क्या करा हमने, उस पर एक फोटो को इंपोर्ट करा, मतलब फोटो की PNG को, और उसके बाद क्या करा हमने, मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट को ब्लेंड करा, और उसके बाद हमने अपनी फोटो में रिम लाइट क्रिएट करा। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो में पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ करके रिम लाइट क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो सेटिस्फाइंग लगी होगी, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। और हाँ, अगर आपको साइबर पंक इफेक्ट क्रिएट करना है अगर अपनी फोटो में कुछ इस तरीके से, तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर से जाकर के देखो, ठीक है।